मेरा नाम सर हमजा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का डे नंबर 50 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी। यानी कि हमारे पास जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना है और उनकी जो रिएक्टिविटी है उसको भी डिस्कस करना है। हम यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हुए थे, आज हमने उसका जो सेकंड हाफ पॉइंट्स है उसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं, एक अल्कली मेटल की, दूसरी अल्कलाइन अर्थ मेटल की। बेसिकली हमने इनका जो कंपेरिजन है उसको डिस्कस करना है। अगर अल्कली मेटल रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ तो ये कौन से कंपाउंड्स बनाएगी, अगर अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये आयोनिक हाइड्राइड बनाएगी बहुत ज्यादा रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस कौन सी हैं, इसका जो रूम टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और इसको एक स्पेसिफिक प्रेशर चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए, फिर जाके ये रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएगी। लेकिन अल्कली मेटल के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है वो है रिएक्शन विद हैलोजिन्स। हैलोजिन्स के साथ जब हमारे पास अल्कली मेटल रिएक्ट करती है तो हमारे पास ये बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करती है और हाइलाइट्स बनाती है, लेकिन जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये बहुत आहिस्ता रिएक्ट करती है और हाइलाइट्स बनाती है। हाइलाइट्स दोनों बनाएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि अल्कली मेटल तेजी के साथ रिएक्ट करेगी लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो थोड़ा सुस्त रिएक्ट करती है और हमारे पास हाइलाइट्स दोनों देती है हैलोजिन्स के साथ रिएक्शन में। अब हमारे पास जो अगला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अगर अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हमारे पास नाइट्रेट्स नहीं देगी, ये बेसिकली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट्स नहीं देती। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये मुस्तहकम नाइट्रेट्स देती है, यानी कि स्टेबल नाइट्रेट्स देती है। किसके साथ रिएक्ट करके, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। अगर इसी तरह हम अल्कली मेटल का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ तो ये कार्बन के साथ भी डायरेक्ट जो साइज का रिएक्शन है ये नहीं करती, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बन के साथ भी डायरेक्ट जो सा रिएक्शन है इसका वो अपना परफॉर्म करके कार्बाइड्स बनाएंगी। जैसा कि हम यहाँ पे भी देख सकते हो, कैल्शियम अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बाइड बनाता है।